महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगर धूथड़ के समावर्तन संस्कार समारोह का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर जेपी नड्डा के अलावा पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह, अभिभावक संघ के अध्यक्ष विपिन कुमार यादव, पुरातन छात्र परिषद के अध्यक्ष दीपेंद्र प्रताप सिंह, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव, सुबोध कुमार मिश्र सहित अन्य शिक्षक छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा पुस्तकों, वार्षिक पत्रिका समावर्धन, लोक भाषा संवर्धन, नाथ पंथ का योगदान, आधुनिकता से उत्तर आधुनिकता तथा राणाकालीन नेपाल का इतिहास पुस्तक का विमोचन किया गया और कॉलेज के विभिन्न प्रकल्पों जैसे सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र पुरस्कार वितरित किया। इस मौके पर पूर्व कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबंध समिति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने छात्र छात्राओं को समावर्तन उपदेश एवं संकल्प दिलाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार जेपी नड्डा ने कहा कि शिक्षा का मूल आधार हमारी संस्कृति होना चाहिए ताकि राष्ट्र मजबूती से बढ़े। हमें अपने संस्कारों को संवर्धा याद रखना तथा उसका अनुपालन करना चाहिए। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। वर्तमान में इस शिक्षण संस्थान की 42 शाखाएं, जिसमें लगभग 25,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता शिक्षा में आमूल परिवर्तन लाना है। उन्होंने कहा, केंद्र प्रदेश सरकार विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। समावर्तन संस्कार समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सीएम योगी ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में परिश्रम एवं पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं होता। महाविद्यालय से जो अच्छे गुण अपने आपने सीखा है उसे अंगीकृत करते हुए अपने जीवन को उन्नत की ओर आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि सुख दुख लाभ हानि की चिंता किए बगैर जब व्यक्ति जीवन संघर्ष में आगे बढ़ता है तो उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जीवन में सरलता का रास्ता अपनाकर हासिल की जाने वाली सफलता लंबी दूरी तक काम नहीं दे पाती। तात्कालिक सफलता का मुख्य सुख तो मिलता है, लेकिन वह सुख यशस्वी नहीं बन पाएगा। हम सभी को जीवन में परिश्रम एवं पुरुषार्थ को समझना होगा। पराधीन था, जनता विपन्न थी, ज्ञान कौशल के अभाव महान दिव्यनाथ जी महाराज अपनी संकल्प शक्ति के बल पर आजादी की लड़ाई के प्रमुख शक्ति के रूप में शैक्षिक क्रांति के पथ पर भी आगे बढ़े। आरंभ करते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की संस्कृति को अज्ञानता रूपी अंधकार के दूर होने और प्रकाश रूपी ज्ञान के प्रसरण का प्रतीक माननीय मुख्य अतिथि अन्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन का यह कार्यक्रम संपन्न होता हुआ विद्यालय के इस 12वें समावर्तन संस्कार समारोह में मैं मंचस्थ अतिथियों से करपत्र निवेदन करता हूं कि मंच पर आप सबसे निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना उन्हीं वैचारिक अधिष्ठानों पर महंत दिव्यनाथ महाराज कर रहे थे जिस वैचारिक अधिष्ठान पर महामना मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर चुके थे। उसी वैचारिक अधिष्ठान पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापित हुआ जो स्वामी विवेकानंद श्री अरविंद स्वातंत्र वीर सावरकर के वैचारिक अधिष्ठान का हिस्सा था। ऐसे में हिंदुत्व ही राष्ट्रीयता है के मंत्र को लेकर के 1932 में एक धर्मपीठ ने सेवा को साधना का हिस्सा बनाते हुए धर्म और शिक्षा स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ते हुए एक विस्तृत आयाम की नींव रखी थी। उस अंकुरित बीज को राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज ने पुष्पित पल्लवित किया
और वो वटवृक्ष बनकर खड़ा हुआ जो आज गोरखपीठाधीश्वर पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देशन में नेतृत्व में संचालित हो रहा है। और लगभग ऐसी 44 संस्थाएं आज 44 प्रमुख वे संस्थाएं हैं, उनके साथ जो हमारे प्रकल्प हैं उनकी गिनती 44 में नहीं है, ऐसे तमाम सेवा के प्रकल्प हैं। जैसे इस महाविद्यालय की गणना एक है, हमारे इस महाविद्यालय में ही योगीराज बाबा गंभीर नाथ सिलाई कढ़ाई निःशुल्क केंद्र चलता है, हमारे इसी महाविद्यालय में गोरखपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलता है, इसी महाविद्यालय से योगीराज बाबा गंभीर नाथ सेवा आश्रम का छात्रावास चलता है, इसी महाविद्यालय में निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण चलता है। ऐसे तमाम प्रकल्प हर शिक्षण संस्थाएं यानी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद वैचारिक अधिष्ठान पर अपनी यात्रा शुरू किया था, उसे अनिवार्य है कि उसकी हर शिक्षण संस्था कोई कोई सामाजिक प्रकल्प जरूर चलाए। ऐसे श्री गोरखपीठ के इस पावन आंगन में मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत और अभिनंदन है। महाराज जी के केवल सपनों का विद्यालय नहीं है, उनके उच्च शिक्षा या शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों की प्रयोगशाला भी है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो कह रहे होते हैं कि अवकाश खत्म होना चाहिए, तो सुनने वाले कितना जानते मैं नहीं जानता, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि महाराज जी के विद्यालयों में ये अवकाश उतने होते हैं जितने अवकाश की जरूरत है। महापुरुषों की पुण्यतिथि, महापुरुषों की जयंती पर उनसे संबंधित कार्यक्रम होते हैं, सेवा बस्तियों में सेवा का काम होता है, आसपास के गाँव में हम सेवा का काम करते हैं। ये सिद्ध करने के बाद उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री के रूप में आप शिक्षण संस्था के बारे में अपनी बात कहते हैं, वो प्रमाणित कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। जब महाराज जी कहते हैं कि शिक्षण संस्थाओं को सरस्वती जी के पावन मंदिर की तरह स्वच्छ होना चाहिए, तो वो इस महाविद्यालय में 2005 से स्वैच्छिक श्रमदान की वह योजना चला चुके हैं। यह वहां इस महाविद्यालय में माननीय मुख्य अतिथि जी स्वीपर का पद नहीं है, और स्वीपर का पद न होते हुए भी इस महाविद्यालय के किसी भी शौचालय में किसी भी जगह पर कोई भी आया हुआ आगत किसी भी समय जा सकता है, उसे हर की तरह का शौचालय मिलेगा। यह स्वच्छता का अभियान 2005 से पूज्य महाराज जी सिद्ध कर चुके हैं, चला चुके हैं, प्रमाणित कर चुके हैं। जब महाराज जी कहते हैं कि नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए, तो इन महाविद्यालयों में हमारे विद्यालयों में नकल विहीन परीक्षा उस धारा में भी हुई है जब हमारे अगल बगल के महाविद्यालय केवल नकल के नाते जाने जाते थे, हमारे प्रवेश की संख्या भले कम होती थी लेकिन गुणवत्ता युक्त पढ़ाई और नकल विहीन परीक्षा, ये दोनों अपनी महाराणा प्रताप की शिक्षण संस्थाओं में महाराज जी ने सिद्ध किया है, प्रमाणित किया है। और तब आज वो उत्तर प्रदेश के पूरी शिक्षण संस्थाओं को ये बता रहे हैं कि शिक्षण संस्था में ये किया जाना चाहिए। उसके विस्तार की, उसके विकास की, उसके परिवर्तन में नाथ पंथ की क्या भूमिका थी, क्या योगदान था। और अगली पुस्तक राणा पाठ्यक्रम भी अपने प्रमाण पत्र के साथ, सचिन वर्मा, बजरंगी निषाद, ब्रजेश निषाद, रामादर्श प्रजापति, आदित्य प्रजापति, अमित कुमार, साहिल खान, अभिषेक निशा, अजीत प्रजापति, प्रिंस गुप्ता, आनंद चौधरी, अंजलि प्रजापति से आगे विविध गतिविधियों एवं उत्कृष्ट कार्यशैली के आधार पर महाविद्यालय के कार्यालय अधीक्षक श्री विजय कुमार मिश्र जी को श्रेष्ठतम कर्मचारी का महाराणा प्रताप सम्मान प्रदान किया जाएगा। श्री विश्व शिक्षण देने वाली श्रीमती कमल पुत्र पुत्री अपने पिताजी का नाम, जिस कक्षा में आप पढ़ते हो, जिस संकाय में पढ़ते हो, उसका नाम लीजिए। क्या पूर्ण कर रहा हूँ, बोलेंगी मैं संकल्प लेता हूँ कि उपयुक्त समावर्तन उपदेश का मैं पालन करूंगा। जरूर से बोलिए, जीवन में शुद्धता और ईमानदारी के साथ पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के उत्तरदायित्व का निर्वाह करूंगा। मैं भारत का योग्य नागरिक बना रहूंगा।
संस्कृत राष्ट्रवाद के प्रति मेरी निष्ठा रहेगी। उनका पालन करूंगा। आपका भविष्य मंगलमय हो। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और सौभाग्य की बात है कि आज जब बसंत पंचमी का दिन हो, माँ सरस्वती को याद करने वाला दिन हो और ऐसे में आदरणीय महाराज जी के कारण मुझे आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शैक्षिक संस्थाओं में आने का मौका मिले और कहीं दीप प्रज्वलन शपथ समारोह में भाग लेने का मौका मिले और कहा कहीं समावर्तन कार्यक्रम में मौका मिले, तो मैं सौभाग्य मानता हूँ कि वसंत पंचमी के माँ सरस्वती के दिन को मुझे इन शिक्षक संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में आने का मौका मिला है। ये मौका मुझे महाराज जी ने दिया, इसलिए मैं सबसे पहले तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया है। यहाँ जो इस संस्थान के लिए, इस कार्यक्रम के लिए जो एक प्रयोजन 1925 से चला और जिसमें महंत दिग्विजय नाथ जी और महंत अवैध नाथ जी का विशेष योगदान है, वो जो बीज उन्होंने रोपा था आज वृक्ष रूप में संस्कारों को फैलाता हुआ एक अपने वैचारिक अधिष्ठान पर संस्था खड़ी हुई और मुझे जानकर खुशी है कि 42 संस्थाएं और लगभग 25,000 विद्यार्थी और इसी तरीके से विभिन्न संकायों से जुड़े हुए शिक्षण संस्थान इस प्रयोजन में चल रहे हैं। जो बीज महंत दिग्विजय नाथ जी ने और अवैध नाथ जी ने डाला था संस्कारों का, आज वो फलता हुआ एक वटवृक्ष की तरह सबको छाया भी दे रहा है, संस्कार भी दे रहा है, दिशा भी दे रहा है, दृष्टि भी दे रही है और हम सब लोग समायोजन में जुड़े हैं, इसमें हम सबको भी शामिल होने का मौका मिला है। मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया। अभी प्राचार्य महोदय जी वैचारिक अधिष्ठान की बात कर रहे थे और उन्होंने उसमें क्या क्या कैसे कैसे अंतर लाए हैं और हमारा वर्किंग कल्चर क्या है, कार्य करने की शैली क्या है, कार्य करने के संस्कार क्या है, स्वच्छता को हम कैसे देखते हैं, संगठन को चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए कैसे टीम स्पिरिट डेवलप करते हैं, कैसे भारतीय संस्कार और विचार के अधिष्ठान को प्रतिपादित करते हैं, कैसे कॉन्वोकेशन से हट करके समावर्तन समारोह करते हैं, इस सब पर उन्होंने जोर दिया है। ये बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही जरूरी है। शिक्षा के संस्थान में जब आया हूं तो हम लोगों की इसकी जरूरियात हमें समझनी है, तो हम सब यह भी जान लें कि हम लोगों को शिक्षा की दृष्टि से बहुत दिक्कत का सामना करना था। आज पिछले 50-60 साल ये लड़ाई चल रही है। जब हम भारतीय संस्कारों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको पुरातनवादी, कहीं ना कहीं स्टेटस को और कहीं ना कहीं परिवर्तनशील न होने का हमारे ऊपर आरोप लग जाता है और इसी झगड़े में अच्छे विचारशील लोग भी इन विषयों के बारे में अपने दृष्टि से पीछे हट जाते हैं और इस लड़ाई में वो लोग सफल हो जाते हैं और सफल होते हैं जो हमारे वैचारिक पृष्ठभूमि से अलग हैं और जो इस देश को मजबूती के बजाय कमजोरी की बात करते हैं। मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत दिनों से ये बहस चली है। विद्यार्थी परिषद में था तब तो मैं इस बात को बहुत ही तीव्रगति से और बहुत ताकत से कहता था और आज भी उस बात को कह रहे हैं। जब जब हमारी सरकार आई है हमने प्रयास किया है कि शिक्षा में अमूल परिवर्तन होना है और उस अमूल परिवर्तन में कार्य को बढ़ाते हुए वैचारिक पृष्ठभूमि पर भी भारत की सही तस्वीर हमारे सामने आनी चाहिए, इस बात की हम लड़ाई करते हैं।
और इसको अगर समझना हो, ये कॉन्वोकेशन और समावर्तन का अंतर क्या है, हमने भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कॉन्वोकेशन में कहा है कि अब परिवेश और परिधान उस इलाके में, उस शहर का जो टेक्सटाइल है, वहां का जो डिजाइन है, अगर भुवनेश्वर का कॉन्वोकेशन होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का, तो उड़ीसा का टेक्सटाइल और टेक्सचर आना चाहिए उस गांव में। इस बात को हमने उसमें करने की कोशिश की है ताकि हमारा अपना जो स्वाभिमान है वो निकल कर दिया है। लेकिन जब हम इन बातों को याद करते हैं तो उसमें से जो गहराई की बात है वो हमको समझने की जरूरत है, और जब तक हम उस मूल पर चोट नहीं मारेंगे तब तक हम शिक्षा को इस वैश्विक जगत के प्रभाव में, जो हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला विषय है, उसको हम आगे बढ़ाने में सफल होने में हमको दिक्कत आएगी। अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो शिक्षा नीति ब्रिटिशर्स ने हमको दी, उसका बहुत ही मूल आधार क्या था? उसका मूल आधार था जो उन्होंने अपने शब्दों में बयान किया। उन्होंने कहा कि हमको भारत में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो खून से भारतीय हो लेकिन संस्कारों से अंग्रेज हो, पहनावे से अंग्रेज हो, सोचने में अंग्रेजियत हो, और उसको हमको, वो हमारे और लाखों भारतीयों के बीच में अनुवादक का काम करे, इस तरह की हमको शिक्षा नीति चाहिए। और उसको उन्होंने अंग्रेजी में कहा, व्हाट वी नीड इन इंडिया इज टू प्रोड्यूस अ क्लास विच इज इंडियन इन ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट, हैबिट्स एंड इंटेलेक्ट, एंड इट शुड एक्ट एज एन इंटरप्रेटर बिटवीन वी द ब्रिटिशर्स एंड द थाउजेंड इंडियन हंग्री मासूम को वो रोल मिली। ये जो हजारों लाखों भारतीय हैं उनके ऊपर रूल करने के लिए हमको एक क्लास चाहिए। और उन्होंने उस समय तीन चार मेडिकल प्रेसिडेंसी कॉलेज खोले, प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकटा, प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास, प्रेसिडेंसी कॉलेज बॉम्बे, और यहां उन्होंने शिक्षा को, इस शिक्षा की प्रणाली को दिया। उसमें उन्होंने बहुत चालाकी से मुगल इतिहास को पूरी एकदम शुरू से लेकर के अंत तक हम सबको समझाया। जो हमारा इतिहास था उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया, और जो गुलामी का इतिहास था वह हम सबको बताने का प्रयास किया। इससे हुआ क्या कि हमारी सोच में हम कम हैं, हम छोटे हैं, हमारे गौरव को समाप्त करने की कोशिश हुई, और इस कारण से हमारे में, जिसको हम कहते हैं कई बार कि we handed over the reins of the country from white sahabs to brown sahabs, गोरे साहबों से हमने ब्राउन साहब को दे दिया, दिया साहब को, जिसकी भारत की संस्कृति पर आस्था ही नहीं थी। इस बात को हमको समझना चाहिए। किसने ये शब्द लाया, इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट? किसने ये कहा नेशन इन बिल्डिंग, यानी हम राष्ट्र थे ही नहीं, अब हम राष्ट्र बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारत राष्ट्र की मजबूती पर प्रहार मारने की कोशिश है। और अगर आप ये जितने रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, मॉरले लिंटो रिफॉर्म से लेकर के जो हमारी आजादी में हुई, इसमें सब में आप पाएंगे कि अंग्रेजों ने भारत के समाज को खंडित करने के लिए जहां जहां उनको कमजोर पत्थर दिखा उस पर उन्होंने चोट करने की कोशिश की, और हमेशा ये कहते रहे कि इट इज अ वाइस मैन बर्डन, ये तो गोरे आदमियों का बर्डन है कि अब भारत में राज कर रहे हैं, हमको राज करने की तो इच्छा थी नहीं, लेकिन आप नहीं कर सकते इसलिए हम कर रहे हैं। और हम जाते जाते समाज में सबको सब कुछ दे के जाना चाहते हैं, उनका राइट आप नहीं संभाल सकते हो इसलिए हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, और इसलिए इनका इनका अधिकार अलग होना चाहिए, उनका अधिकार अलग होना चाहिए, समाज को खंडित करने की कोशिश की। बाबर नामा, अकबर नामा सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन शिवाजी की बात आई तो पहाड़ी चूहा कह दिया, छत्रपति शिवाजी को छोटा दिखाने की कोशिश की। ये
महाराणा प्रताप के बारे में आज हम यहाँ इस स्थान में है, लेकिन हिस्टोरियंस ने अपने उसमें क्या कहा कि उन्होंने कोई वीरता का प्रदर्शन जरूर दिया लेकिन चातुर्य का प्रदर्शन नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को हीन भावना से ग्रसित करने की कोशिश और हमारे शौर्य को, हमारे मजबूती को पहचानने के बावजूद भी उसको जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसलिए बहुत चालाकी से, बहुत तीव्र गति से, और इसको भी आप देखिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के सिपाहियों का इस्तेमाल करना था तो ये हम लोगों ने नहीं बनाया, मराठा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये उन्होंने भारतीय शौर्य को पहचान करके उनके शौर्य को पहचानने के लिए वहां उसका इस्तेमाल कर दिया। तो आप देखेंगे कि कई कुछ उन्होंने इस प्रकार से किया जिससे उनका काम चले लेकिन भारत कमजोर होता जाए, इस बात को कहा। और उन्होंने दावे के साथ कहा, गिव मी माय एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया फॉर 20 इयर्स एंड आई गिव यू अ 200 इयर्स डिपेंडेंट इंडियन नेशन। 20 साल मेरी शिक्षा नीति को लागू कर दो, 200 साल गुलाम दूंगा तुमको भारत। अब जब हम अपने संस्कारों की बात करते हैं तो यह शब्द अगर हमको याद हो कि हमारी शिक्षा नीति का उस समय का कुविचार क्या था और हमारी शिक्षा नीति में उस वो जो कुत्सित प्रयास था उसको अगर हमको समाप्त करना है तो भारतीय संस्कारों को प्रतिपादित और प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। इस दृष्टि से हमको काम करना है, शिक्षा की दृष्टि से पिछले 4.5 सालों में जो काम हुआ है वो भी अद्वितीय है। सेंटर फॉर एक्सेलेंस बनने की बात हो, इंस्टीट्यूट्स की बढ़ने की बात हो, IITs के खोलने का सवाल हो, एम्स के खोलने का सवाल हो, आज इसी छोटी सी अवधि में 13 एम्स ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसमें से एक गोरखपुर में भी जो बहुत ही जल्द जनता को समर्पित होगा, ऐसे एम्स ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज आज देश में पिछले 4.5 साल में 13 खुलने के कागार पर खड़े हैं और टोटल 22 बन करके तैयार हैं। 22 तो चाहे मेडिकल जगत हो, अभी 13 संस्थान हमारे 55 साल में 13 संस्थान मेडिकल कॉलेज के उत्तर प्रदेश में खुले और हमारे यहाँ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में ही इस 4.5 सालों में 55 महीनों में 13 मेडिकल कॉलेज नए दिए हैं जिसमें कुल मिलाकर के 1600 सीट्स का इजाफा होगा। इस तरीके की परिस्थिति आज हम लोगों ने खड़ी करने की कोशिश की, 2 एम्स और 1 एम्स जैसा बनारस, ये 3 संस्थान, कैंसर इंस्टीट्यूट, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, तो बहुत कुछ विकास के दृष्टि से करने का प्रयास किया है और हमारी कोशिश है कि भारतीय परिवेश में ये संस्थान आगे बढ़े, दुनिया में अपना स्थान बनाए, दुनिया में जो चीज़ें हमको हम लोगों ने स्थापित की है दुनिया में जो शिक्षा की दृष्टि से भी उसको और आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम सब लोग काम करें। आपके और आदरणीय योगीराज आदित्यनाथ जी के बीच में, मैं महन जी के बीच में मैं बहुत देर न रहता हुआ आपसे सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि हम अपने संस्कारों को पहचानते हुए आगे बढ़ें और इस तरीके से संस्थाओं में अगर ये संस्कार हम दे सके तो सिर्फ हम शिक्षा का भला नहीं करेंगे, देश की मजबूती लाने में मदद होगी और देश मजबूत होकर के आगे बढ़ेगा, क्वालिटी एजुकेशन आगे बढ़ेगी, इसके लिए आप सब लोग लगे हुए हैं, इसके लिए मुझे खुशी की बात है और आप इसमें आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समापन समारोह के अवसर पर आप सबको हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबने अपने जीवन के 3 वर्ष या 5 वर्ष इस महाविद्यालय में व्यतीत किए हैं। जीवन के जो कुछ भी अच्छे गुण और अच्छे संस्कार इस महाविद्यालय से आपने सीखे होंगे उन्हें को अपने साथ ग्रहण करते हुए आगे लेकर के जाएंगे तो आपका भविष्य मंगलमय होगा, उज्ज्वलमय होगा और जीवन के भावी संघर्ष के लिए, भावी चुनौतियों से जूझने के लिए
आप अपने आप को समर्थ पाएंगे। याद रखना कि जीवन में व्यक्ति के परिश्रम और पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं हो सकता। आप सबने महाभारत में गीता के उपदेश को सुना होगा, देखा होगा, या श्रीमद् भगवद् गीता को किसी न किसी रूप से आपने उसका मनन किया होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इन्हीं सब बातों को लेकर के अर्जुन का आह्वान करते हैं कि तुम युद्ध करो। युद्ध किस बात को लेकर के? अगर तुम जीतोगे तो राज्य का उपभोग करोगे, हारोगे वीरगति को प्राप्त होगे तो स्वर्ग का उपभोग करोगे, सुख दुख लाभ हानि की चिंता के बगैर जब व्यक्ति जीवन संघर्ष में आगे बढ़ता है तो जीवन संघर्ष ही व्यक्ति की जो मंगल कामनाएं हैं उनकी पूर्ति कर पाता है। शॉर्टकट का रास्ता अपनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण नहीं कह रहे हैं। जीवन में कोई सरलता का रास्ता अपना करके एक एक प्रकार सफलता प्राप्त करके हम कुछ हासिल कर लें और तात्कालिक रूप से तो अच्छा लगता होगा, लेकिन एक लंबी दूरी या एक लंबे समय तक वह तात्कालिक सफलता आपको सुख नहीं दे पाएगी, आपको यशस्वी नहीं बना पाएगी। और इसलिए हम सबको अपने जीवन में परिश्रम और पुरुषार्थ के महत्व को समझना ही होगा। माणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना 1932 में इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर के ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने की थी। वे इस बात को जानते थे कि भारत के अंदर भारत की युवा पीढ़ी के मन में देश की स्वाधीनता के लिए जिस प्रकार का जज्बा है, ब्रिटिशर बहुत दिनों तक उसे दबा करके नहीं रख पाएंगे। देश अवश्य स्वाधीन होगा, लेकिन एक स्वाधीन भारत में हम इस देश को कैसा नागरिक देना चाहते हैं? एक स्वाधीन भारत किस प्रकार के नागरिकों के द्वारा संचालित होगा, इस बात को ध्यान में रखकर के उन्होंने महाप्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। महाप्रताप शिक्षा परिषद भारत की परंपरा, भारत के संस्कार, भारत के प्रति राष्ट्रभक्ति और भारतीयता को सर्वोच्च स्थान देते हुए हम स्वयं भी इस प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बन सकें, इस बात को ध्यान में रखकर के जो कार्य सन 1932 में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी ने गोरखपुर में एक छोटे से बीज को रोपा था, आज एक विराट वट वृक्ष बनकर के न केवल गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अभी तो शिक्षा जगत में अगर शिक्षा का एक मानक बन सके, शैक्षणिक जगत के लिए एक मानक बन सके,
छात्र छात्राओं के अनुशासन, राष्ट्रभक्ति, अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति के प्रति अनुराग का भाव पैदा करने का एक मानक बन सके, तो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों के प्रति, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थाओं की ओर से यह एक विनम्र श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि शिक्षा केवल एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है, शिक्षा केवल एक विद्यालय में निश्चित पाठ्यक्रम को लेकर के छात्र छात्रा को उसके माध्यम से अपना सर्टिफिकेट या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं बनना चाहिए। इस सर्वांगीण विकास का आधार कैसे बने, महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने विगत 12-15 वर्षों के दौरान जो इस क्षेत्र में कार्य किया है वह उसके कुछ मानक भी तय हुए हैं। हम सब जानते हैं आजादी के बाद से लेकर के और 2017 तक, यानी 70 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी ऐसी थी कि जिन्हें आजादी के बाद भी भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने वोटिंग का राइट नहीं दिया था। वे थे भारत के नागरिक, वे थे यहां के नागरिक, लेकिन आजादी के 70 वर्षों तक खाना बदोश की जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। उनके बीच में प्रशासनिक लापरवाही, शासन की अनभिज्ञता या संवेदनहीनता इस हद तक थी कि उन लोगों को आजादी के 70 वर्षों तक किसी भी प्रकार की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया था। ऐसे लगभग 54 बटांगिया गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश में थे जिन्हें ब्रिटिशर ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इन क्षेत्रों में व्यापक रूप में वनीकरण करने के लिए उन्हें बसाया था, लेकिन ब्रिटिशर के जाने के साथ ही उनकी दुर्दशा भी प्रारंभ हो गई थी और उसमें पहला विद्यालय वहां पर संचालित करने का कार्य उन बच्चों के बीच में, वे समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से न भटके इस कार्य को लेकर के वहां पर पहला विद्यालय भी महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय की ओर से वहां पर स्थापित किया गया था। यद्यपि पक्का भवन नहीं बन सकता था, वन्य अधिनियम के कारण ये सब बाधाएं थी। हम लोगों ने बाद में इसके लिए आंदोलन भी किया, वन्य अधिनियम में संशोधन भी हुआ। तब 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, तो 2017 में गठन के बाद फिर हम लोगों ने वन्य अधिनियम में हुए संशोधन के फलस्वरूप उन्हें राजस्व गांव की मान्यता दी और आजादी के 70 वर्ष के बाद पहली बार वे समाज की मुख्य धारा से जुड़े, उन्हें सड़क, बिजली, पानी, स्कूल की व्यवस्था, राशन कार्ड की सुविधा, वोटिंग की राइट, ये सारी सुविधाएं उन्हें मिलनी प्रारंभ हुई। लेकिन उनके बीच में, उन 54 गांवों के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में थे, पहली एक ऐसी संस्था सामने आई थी जिसको अपने स्तर पर वहां पर शैक्षण संस्थान प्रारंभ कर सके और वह कार्य भी यहां पर किया गया। ग्रामीण स्वावलंबन के लिए कि महाविद्यालय एक ऐसे स्थान पर है जो गांव और शहर दोनों का संगम स्थल है। यहां पर यहां की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए उन्हें सिलाई कढ़ाई के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा सके, यह कार्य भी योगराज बाबा गंभीरनाथ सिलाई कढ़ाई केंद्र के माध्यम से महाविद्यालय ने प्रारंभ किया है। या फिर यहां के उन गरीब बच्चों को जिनके लिए कंप्यूटर एक दुर्लभ वस्तु थी, उन्हें कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिलवाने में भी जो कार्यक्रम यहां से संचालित हो रहे हैं, अन्य तमाम प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र जब एक महाविद्यालय बनता है तो केवल केंद्र ही नहीं बनता, यहां से निकलने वाले छात्र छात्राओं को अपने भावी जीवन में भी न केवल अपने कर्तव्यों के प्रति
आगाह करता है तो कर्तव्यों के साथ साथ उन संवेदनाओं को जोड़ने की भी प्रेरणा देता है जो हमें एक संपूर्ण मानव बनाने की प्रेरणा जिसके माध्यम से प्राप्त होती है। अगर मनुष्य में संवेदना नहीं है तो फिर उस मनुष्य में और पशु में बहुत अंतर हो ये बहुत कम महसूस हो पाता है। बहुत सारे लोग हैं मनुष्य के रूप में सकल सूरत से तो हैं लेकिन अपने कार्य व्यवहार से उनमें और पशु में बहुत अंतर देखने को नहीं मिलता है और इसलिए हमें उस अंतर को अपने संस्कारों के माध्यम से शिक्षा जगत से प्राप्त संस्कारों के माध्यम से हमें उसे न केवल स्वयं अंगीकार करना है अपितु तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसे उसी रूप में और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना होगा। मुझे आश्चर्य होता है आज भी मैं बहुत बार जब इस बात को देखता हूं कि लोग उच्च शिक्षा में पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन वहां पर भी नकल का सहारा लेने का प्रयास करते हैं। ये डिग्री केवल एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, हमें आत्मविश्वास से भरपूर भी बनाया जाना चाहिए। ये केवल जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन के प्रति कह रहे हैं, ये उपदेश केवल एक अर्जुन के लिए नहीं, ये दुविधा में पड़े हुए इस संपूर्ण मानवता के लिए है जो अपने सुख की चिंता करने के लिए या अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए जब अपने परिवार को अपने समाज को अपने राष्ट्र को दांव पे लगाता है उन सब की आंखों को भी खोलने वाला उपदेश है और एक शाश्वत उपदेश है। हर देश हर काल हर परिस्थिति में यह उपदेश उसी रूप में प्रभावी होता हुआ दिखाई देता है और आज आपने अपना जो समावर्तन उपदेश के माध्यम से आज अपने इस संस्थान इस शिक्षण संस्थान से अपनी डिग्री प्राप्त करने के लिए जब अपनी परीक्षाओं के लिए आप शामिल होने के लिए जा रहे हैं ये संस्थान भी आपको यही अपनी शुभकामनाएं दे रहा है कि जो कुछ भी अच्छा आपने 3 वर्ष के दौरान 4 वर्ष के दौरान इस महाविद्यालय में सीखा है जाना है उसे ही अंगीकार करें। जो बुराई देखी होगी उसको तत्काल वहीं पर छोड़ करके और भावी जीवन के उस संघर्ष के लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना है जिस संघर्ष का आह्वान करने के लिए जिस चुनौती को चुनने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन का आह्वान करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर समावर्तन संस्कार कार्यक्रम के इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा जी यहां पर आए, व्यस्ततम समय उनका था, पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जो वर्तमान में कार्य हो रहे हैं 22 एम्स के कार्य पूरे देश के अंदर वर्तमान में चल रहे हैं, देश के अंदर 543 लोकसभा सीटें हैं, हर 3 लोकसभा सीट में एक मेडिकल कॉलेज देने की भारत सरकार की योजना और उनके माध्यम से कार्य चल रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना आयुष्मान भारत जो हर गरीब को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने की गारंटी देता है। ये सभी कार्यक्रम उनके पास होने के बावजूद उन्होंने आपके इस महाविद्यालय के कार्यक्रम में आकर के भारतीय परंपरा भारतीय प्रवेश और भारतीय संस्कारों को आगे बढ़ते हुए अपनी आंखों से देखा है और स्वाभाविक रूप से उन्होंने जो समय आज यहां पर इस महाविद्यालय को दिया है मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनके प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि के द्वारा जो भी अपने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन में उन्होंने जिन बिंदुओं को यहां पर आपके सामने रखा है आप सभी उन्हें अपना जीवन का ध्येय वाक्य बना करके उसका अनुसरण करेंगे। आप सबके प्रति हमारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। Yeah.
मेरा।